हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं राष्ट्रपति का वीडियो बनाऊंगा तो उसके आगे उसमें दो पार्ट होंगे। तो एक पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिया जो कि पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, उसमें सारे के सारे अनुच्छेद दिया है, सब कुछ समझाया है। ये पार्ट टू है। मैंने बताया था कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, जो फैक्चुअल टॉपिक होते हैं, वो आपको कैसे याद करना है वो तरीका मैं बताऊँगा। तो देखिए, ये आप देख के हैरान मत होइएगा, केवल दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल से नोट किया, क्योंकि वो दोनों लोग कई चीज़ों में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाद में बहुत छोटे छोटे चीज़ों को, कंटेंट को रखा हूँ, तो आप चीज़ों को बड़ा देख के हैरान परेशान मत होइएगा। आप सारा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है? तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम राष्ट्रपति के ऊपर, आज हम उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले इनके बारे में जानते हैं। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में तो सभी को पता है कि इनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एकमात्र बिहार से होने वाले राष्ट्रपति थे, ठीक है? एकमात्र बिहार से होने वाले राष्ट्रपति अब तक रहे हैं, ठीक है? ये लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है? और 1962 में इनको क्या दिया गया, भारत रत्न भी दिया गया। भारत रत्न है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा भारत रत्न के ऊपर। तो अभी आप ऐसे याद रखिए कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है ना नागरिकों के लिए, वो भारत रत्न होता है, ठीक है ना? तो भारत रत्न इनको कब मिला, 1962 में। 1962 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। इस साल चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उसी साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था। देखिए, इनकी कहानी मैं शुरू करता हूँ 1917 के कांग्रेस अधिवेशन से। 1917 में क्यों मैंने डायरेक्ट यहाँ से शुरू किया, क्या रीज़न था? रीज़न उसका ये था दोस्तों कि 1917 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। और आपको पता होगा कि 1917 का अधिवेशन पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी महिला ने की थी, हालांकि ये भारतीय नहीं थी। भारतीय महिला वाला जब आएगा तो 1925 में सरोजिनी नायडू ने किया, इसको मानते हैं प्रथम भारतीय महिला के द्वारा किया गया अधिवेशन। तो एनी बेसेंट जो थी आयरिश थी, इसलिए इनको यहाँ नहीं मानते थे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन जो किसी महिला द्वारा किया गया हो तो कौन सा था, तो 1917 वाला अधिवेशन जो था वो किया गया था। और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे, और यहीं इनकी मुलाकात होती है महात्मा गांधी से, किसकी, राजेंद्र प्रसाद की। हालांकि वो देखते हैं कि लेकिन ध्यान से पहचान नहीं पाते हैं कि यही पुरुष महात्मा गांधी, वो जानते रहते हैं, नाम से वाकिफ रहते हैं। तो बाद में उन्हें पता चलता है कि ये महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी इसके बाद राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण आंदोलन में आते हैं हिस्सा लेने के लिए। चंपारण आंदोलन दोस्तों पता होगा आपको कि बिहार में जो तीन कठिया पद्धति होती थी, 3/20 भागों पर अनिवार्य था नील की खेती करना। तीन कठिया मतलब एक तिहाई नहीं होता दोस्तों, तीन कठिया मतलब 3/20, ठीक है ना? 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, मतलब वहाँ के लोगों को। तो यही चंपारण आंदोलन था, इसी का विरोध हो रहा था। तो राजकुमार शुक्ला जी गए थे और महात्मा गांधी को लिवा के आए, और यहाँ पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया और सक्सेसफुल था। तो जब गांधी जी आते हैं ना चंपारण आंदोलन में, तो वहाँ उनको पता चलता है बिहार के लोगों से कि यहाँ पर एक और ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी अवेलेबल है जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के रहते हैं, बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति रहते हैं। तो इनका बड़ा मन रहता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन इनके पिताजी ने इनको कभी बाहर नहीं जाने दिया। ये ऑलमोस्ट गए हैं पढ़ने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, और वहाँ पे टॉप किए थे, पहला रैंक इनका था। और यह बिहार के लिए पहला ऐसा मौका था कि पूरे के पूरे बिहार से किसी लड़के ने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता को टॉप किया हो, तो ये पहले व्यक्ति थे। इन्होंने 1905 में के दौरान जब बंगाल विभाजन हुआ था, उस दौरान इन्होंने बिहारी क्लब भी बनाया था, ठीक है ना? तो उस समय तो छात्र थे, तो उसी के दौरान इन्होंने बिहारी क्लब की भी स्थापना की थी, ठीक है? 1920 में असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बने, क्योंकि मुलाकात हो चुकी थी गांधी जी से 1917 में, गांधी जी भी इनको जान चुके थे, ठीक है? तो 1920 के जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें भी ये हिस्सा लिए थे। और इन्होंने 1921 में पटना के निकट एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की। देखिए, असहयोग आंदोलन में क्या कहा गांधी, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि असहयोग करो, मतलब अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दो। यानी क्या हो कि जो लोग भी सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हों, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हों, किसी भी तरह से अंग्रेजों से संबंध रखते हों, वो लोग अपने नौकरियों का त्याग कर दें। तो ये था असहयोग आंदोलन। इसके साथ साथ जो अंग्रेजों की सामान्य हैं, गुड्स हैं, उनका भी त्याग कर दिया जाए। तो जब, क्योंकि ये अभी तो पढ़ते थे, ठीक है, तो इनके जो हित मित्र थे वो काफ़ी लोग क्या थे, या तो शिक्षक थे या तो पढ़ाई कर रहे थे। तो इन्होंने उनके लिए क्या किया, नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी, कहाँ पर, पटना के निकट, ठीक है?
इसके अलावा जब गांधी ने सत्याग्रह चलाया 1930 में, उस दौरान ये पटना में सत्याग्रह चलाए थे, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पटना में सत्याग्रह किसने चलाया, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने चलाया। 1934 का अधिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बंबई में हुई थी, और इसको खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो बंदा 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में बैठा था 1934 में, यानी ठीक 17 साल बाद उसको ऐसा मौका उसके ज़िंदगी में सामने आएगा कि वह इसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, कितनी बड़ी बात होती। 1917 में पहली बार शामिल हुए, 1934 में ये इन्होंने अध्यक्षता किया। 1949 में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन से, तो इनको टेम्परेरी रूप से उस समय भी अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। कैसा अध्यक्ष दोस्तों? अस्थाई। आपको पता होगा कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं, जैसे आत्मकथा, चंपारण के सत्याग्रह, डिवाइडेड इंडिया से तो आप लोग वाकिफ होंगे, बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। सम रिवेंशंस ये भी कई बार आ चुका है, महात्मा गांधी एंड बिहार, बापू के कदमों में, तो ये बहुत सारी किताबें थी जो इनके द्वारा लिखी गई हैं, और इस प्रकार से ये तो इनके बारे में देखें दो तीन बातें तो आप एकदम ही याद रखिए कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। और इनको 1962 में भारत रत्न मिला, 1917 में पहली बार शामिल हुए कांग्रेस अधिवेशन में, और 34 की अध्यक्षता इन्होंने खुद किया था। तो ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। मैंने बोला ना दोस्तों कि आप बिल्कुल मत घबराइए, केवल दो राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे डिटेल से बात करनी है, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे नॉर्मल चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्कशन होगा क्योंकि उसके बाद लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। दूसरे यहाँ नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे दो तीन चार नंबर ऐसे लिख दिया लाइन से, नंबरिंग वाली कोई बात नहीं है। देखिए पहले तो वो थे, लगातार दो बार वही बन गए, तो अगर ये नंबर वाइज देखेंगे तो तीसरे हो जाएंगे, और अगर व्यक्ति वाइज देखेंगे तो दूसरे हो जाएंगे। इनका टाइम पीरियड 1962 से 1967 था। इनके समय में दोस्तों दो बड़ी दर्दनाक घटना घटी, एक तो 1962 का युद्ध हो गया चाइना के साथ, ठीक है, और एक 1965 का युद्ध हो गया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। दोनों के दोनों युद्ध डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के काल में ही चला था। नोटो, इनका नाम जो है ना, ये राधा कृष्णन मुख्यतः नाम था, सर्वपल्ली इनके गांव का नाम था। ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? इनके पिताजी सर्वपल्ली नामक एक गांव से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगा लिया था, तो उनको देखकर ही इन्होंने टाइटल रख लिया अपने नाम के पहले सर्वपल्ली। तो सर्वपल्ली इनका क्या है? गाँव है, ठीक है, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 5 सितंबर को इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षक के रूप में दिया, पूरा का पूरा जीवन शिक्षक के, बहुत सालों तक लोगों को पढ़ाते रहे प्रोफेसर के रूप में, ठीक है ना, बहुत जगह पे पढ़ाते रहे, इसीलिए इनके नाम पे हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, और यह एक आदर्श शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने सर्वधर्म संभाव की का भी उदाहरण दिया, सर्वधर्म संभाव को मानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो ये आप कैसे याद करेंगे? तो सर्व सर्व, तो सर्व से सर्व बना लीजिए, ठीक है ना। महात्मा गांधी से इनकी प्रथम बार जो भेंट हुई थी 1915 में हुई थी, ठीक है। और आगे इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि जब संविधान सभा बन रही थी ना, तो संविधान सभा के भी सदस्य थे। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि संविधान सभा के मैक्सिमम सदस्य जो थे वो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन ये गैर कांग्रेसी होते हुए भी कांग्रेस ने इनको संविधान सभा का सदस्य चुना था। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी इनके प्रतिभा से बहुत वाकिफ थे, वो जानते थे कि बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, यही रीजन था कि नेहरू जी ने इन्हें संविधान सभा में शामिल किया था। जब 14 अगस्त की रात को, यानी 15 अगस्त लगने वाला था, जस्ट 12 बजे रात को 1947 का वह दिन, वह ऐतिहासिक क्षण में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि वो उस क्षण का जो भाषण हो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा दिया जाए, और ठीक ऐसा ही होता है दोस्तों। 12 बजे रात को जो अंतिम भाषण दिया है वो किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया, यानी उस ऐतिहासिक क्षण का जो भाषण है वो भी व्याख्यान था वहाँ का, वो भी कौन दे रहे थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन दे रहे थे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। 1952 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, तो 1952 में उसके पहले ही जब ये आज़ादी हो गई, मिल गई हमको 47 में, और 49 में हमारा वो बन रहा था, संविधान बन के रेडी हुआ, तो उसके बाद जो है इनको विशेष राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया सोवियत संघ के लिए। सोवियत संघ से हमारा संबंध बहुत अच्छा था, रूस से, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा संबंध था, और इनको नेहरू जी ने नियुक्त किया विशिष्ट राजदूत के लिए।
तो जो कांग्रेस के जो मेंबर थे ना वो बड़े टेंशनाइज हो गए कि इतने महत्वपूर्ण पद को एक गैर कांग्रेसी के हाथों क्यों नेहरू जी दे रहे हैं। तो लेकिन नेहरू जी देखिए, कहीं कहीं लोग नेहरू को गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं है कुछ, हर आदमी अपने सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। मैंने सोचा है दोस्तों कि कभी मैं वीडियो बनाऊँगा नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर, हर महापुरुष के ऊपर। देखिए कोई गलत नहीं था, सिचुएशन होती है काम करने की, कोई अग्रेसिव होता है, कोई नॉन अग्रेसिव होता है, तो वो बात महत्वपूर्ण नहीं रखती है। अगर कोई ये कहता है कि नेहरू जी ने ख़राब काम किया तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय हमारे देश की इतनी दयनीय स्थिति थी, जिस समय मैं वर्णन करूँगा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा उस समय मैं आपको बताऊँगा कि कैसे पंचवर्षीय योजना बनी और कैसे डिसीजन लेना कितना कठिन हुआ करता था। महात्मा गांधी का क्या यार, महात्मा गांधी जी ने बहुत काम किया, लेकिन सोचो कि पूरे के पूरे संविधान सभा में शामिल तक नहीं हुए। शामिल हुए होते तो हमें कुछ राय देते, पूरे के पूरे संविधान एक भी वाचन में शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी कमी खली, ठीक है। तो हर आदमी अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं 1952 में जब ये सोवियत संघ से लौटे, अच्छा यहीं पे इनकी मुलाकात होती है दोस्तों स्टालिन से। किससे मुलाकात होती है? स्टालिन बहुत बड़े जो थे वो राइटर थे, लेखक थे, यहीं इनकी मुलाकात होती है स्टालिन से। और बड़ा मन था तो इनको स्टालिन से मिलने का, और स्टालिन ने इनको निमंत्रण पर बुलाया, इनकी मुलाकात होती है वहाँ पे स्टालिन से, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को फिलासफर भी कहा जाता है, एक दार्शनिक, महान दार्शनिक की इनको उपाधि भी दिया जाती है। महान दार्शनिक कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सोवियत संघ से जब ये लौटे ना, तो आने के बाद इनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया 1952 में ही, क्या बना दिया गया? उपराष्ट्रपति। और दोबारा फिर से 1957 में उपराष्ट्रपति चुना गया। तो जो दोनों लोग के पहले पहले नंबर थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार राष्ट्रपति, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में, व्हाइट हाउस जो है वहाँ का, ठीक है ना, वहाँ हेलीकॉप्टर से उतरने वाली ये पहले अतिथि थे। इसके पहले पूरे के पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर के द्वारा व्हाइट हाउस में नहीं उतरा था। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यात्रा के दौरान वहाँ पर क्या किया, हेलीकॉप्टर से उतरे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इन्होंने 150 से ज़्यादा रचनाएं की हैं, तो फिर कितना याद रखोगे आप, ठीक है। और इनको ये भारत रत्न दिया गया है। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको जीते जी भारत रत्न मिला है, ठीक है, ये ध्यान देंगे पहले। और इनको दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक की भी उपाधि दी जाती है, तो ये आप केयर करिएगा, ठीक है। आइए, मैंने कहा था ना दोस्तों कि मैं केवल दो लोगों के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा बातें हैं, इसके बाद फिर कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं वही कवर किया हूँ, ठीक है। अगला होता है अगले होते हैं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी, ठीक है, 1967 से 1969 तक, ठीक है। और इनको भी भारत रत्न मिला है। आगे के देखिए तो चार लोग हैं ना उनको मिला है, इसके बाद से कुछ लोगों को नहीं मिला है। और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और देखिए ये पहले तो पहले उपराष्ट्रपति थे, जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हटते हैं तो रहते हैं तो उस टाइम पीरियड में उपराष्ट्रपति रहते थे, तो यही क्या करते हैं उपराष्ट्रपति से फिर क्या बनते हैं, राष्ट्रपति। ठीक इसी तरह से जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राजेंद्र जी जब हटे तो राष्ट्रपति कौन बन गया, राधाकृष्णन। जब राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने तो उनके टाइम में उपराष्ट्रपति पद पर कौन था, जाकिर हुसैन। तो ठीक है, तो जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति से क्या बन गए, आगे चल के राष्ट्रपति। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी अपने कार्यकाल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और इनको भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण भी मिला था 1954 में, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगले नंबर पर आते हैं वी गिरी, वराह वेंकट गिरी, ठीक है ना। ये 1969 से लेकर के 1969 में ही रहते हैं, लगभग ढाई महीने का कार्यकाल इनका होता है, ठीक है। तो इतना कम समय के लिए क्यों हो जाते हैं, देखिए यहाँ पे मृत्यु हो गई ना, ये थे राष्ट्रपति, इनकी हो गई मृत्यु, तो जब इनकी मृत्यु हो जाएगी इनके जगह पे हमने पढ़ा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो होगा वो कार्य करेगा, तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी। तो कितना अच्छा सीरियल सेट है, ठीक है, इतना अच्छा सीरियल सेट है, मतलब कि आप एकदम कोरिलेट करते चलो खाली, ठीक है। तो इनके समय में उपराष्ट्रपति कौन था, वी गिरी। तो जब इनकी देहांत होगा तो कौन आएगा, जाहिर सी बात है वी गिरी आएंगे। इसमें लोग रटते हैं बैठ के, ये राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आप चीज़ों को समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, अब पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति भी कौन बना, वी गिरी, ठीक है। और इसलिए उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति ग्रुप में काम करने लगे और भारत रत्न को दिया गया। तो ये ढाई महीने के लिए राष्ट्रपति बनाए गए थे, ठीक है। ढाई महीने बाद दोस्तों क्या होगा, ढाई महीने, देखिए छः महीने का टाइम होता है ना,
पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कि 6 महीने के अंदर आपको राष्ट्रपति पद भर दिया जाना चाहिए। आइए पहले इनके बारे में वीवी गिरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बातें करते हैं। जब वीवी गिरी के जीवन में क्या होता है कि इन्होंने कानून की पढ़ाई की हुई थी, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किसकी पढ़ाई की थी, फिलासफी की, मैंने बताया ना साइकोलॉजी फिलासफी दार्शनिक थे, ठीक है ना, उसकी तो इन्होंने किया था कानून की पढ़ाई, और पढ़ाई किया था डबलिन यूनिवर्सिटी से। डबलिन दोस्तों राजधानी है आयरलैंड की, ठीक है ना, तो डबलिन से किया था पढ़ाई डबलिन यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था उसके स्वतंत्रता के लिए जिसका नाम था सीन फीन आंदोलन। उस स्वतंत्रता में भी ये शामिल हो गए, तो गए थे पढ़ाई करने और पहुँच गए कहाँ पर आंदोलन करने, तो इनको ना आयरलैंड की जो सरकार थी इनको बहिष्कृत कर दी, अपने देश से क्या कर दी, हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दी, बाहर निकाल दी। तो जब 1916 में भारत आए, ठीक है, तो भारत आते ही इन्होंने ज्वाइन कर लिया श्रमिक आंदोलन। मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखिए एग्ज़ाम में कई बार पीसीएस का पेपर उठाइए, आईएएस का पेपर उठाइए, और कई बार ऐसा हुआ है कि पूछता है क्वेश्चन कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो श्रमिक आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है, तो आपको चीज़ें पता नहीं होंगा, तो अभी पूछ देगा, ये भी नहीं पूछ सकता है कि कौन से राष्ट्रपति जो सीन फीन आंदोलन संबंधित हैं, किसी किताब में आप ढूंढिए सीन फीन आंदोलन मिल जाए तो बताइए। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो, ज्ञान हो, ठीक है ना। इसके अलावा ये ट्रेड यूनियन का भी हिस्सा बने थे जिसको अखिल भारतीय व्यापार संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश केरल और मैसूर के राज्यपाल भी रह चुके थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। और अब देखिए ये क्योंकि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी, किसके मरने के बाद, जाकिर हुसैन के मरने के बाद, तो जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु होती है और ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनते हैं तो इनके मन में भी ख्याल आता है यार हम भी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। किस लिए त्यागपत्र दे दिया, कि ये चुनाव लड़ें, ठीक है ना। तो जब चुनाव लड़ेंगे, अब देखिए राष्ट्रपति ये खुद ही हैं, ऊपर से कार्यवाहक हैं, उपराष्ट्रपति पद खाली हो गया है क्योंकि यही तो उपराष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक बन चुके थे, तो राष्ट्रपति पद पे बैठे हैं, त्यागपत्र दिए, तो राष्ट्रपति पद भी खाली, उपराष्ट्रपति पद भी खाली, और अब कौन बन जाएगा हेड, तो हमने पढ़ाया था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ऐसी कंडीशन बनी कि यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बना, क्या राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा रहे हो, तो न्यायालय के न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, ठीक है ना, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और ये 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त तक ये 1969 में ही दोस्तों कार्यभार संभालते हैं, किसका, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। तो पूछता है दूसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले तो वीवी गिरी और दूसरे एम हिदायतुल्ला। तो अब वीवी गिरी खाली हो चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, और ये आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे एक गेम होता है, गेम गेम क्या होता है सुनिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार चीज़ है। गेम ये होता है दोस्तों कि वीवी गिरी रहते हैं किसी फिलहाल किसी दल से नहीं, वो निर्दल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पहले थे, कार्यवाहक बने, मन में आया कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे, मूड बना लिए, बिना किसी दल का मैदान में उतर गए, ठीक है। इधर कांग्रेस ने अपना जो है सदस्य उतारा था, किसको, नीलम संजीव रेड्डी को, ठीक है। पूरा का पूरा कांग्रेस की जो बागडोर थी ना, वो उसके अध्यक्ष ने के कामरान, कांग्रेस के उसमें कौन डील कर रहे थे, के कामरान, और लीडिंग कौन थी वहाँ पे, मतलब प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के कामरान दोनों लोगों ने मिलकर चूज किया था किसको, कि हम लोग नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव लड़ाएंगे। तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में दो अक्षर जानिए दोस्तों, कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये इरादे के बड़े मजबूत थे, बड़े नेक इंसान थे, ठीक है, और इनके ऊपर दबाव बना के नहीं काम किया जा सकता था। तो इंदिरा गांधी को कई सारे लोगों ने बताया था कि गांधी जी ऐसा है कि नीलम संजीव रेड्डी को आपने अपना उम्मीदवार तो बना लिया, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये आपके दबाव में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आखिरी समय में पता नहीं क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के दिमाग में आया और उन्होंने वोटिंग कहाँ डाल दिया, उठा के इनके फेवर में डाल दिया। किसके फेवर में, ध्यान सुनिए दोस्तों जो बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में क्या, वो अपना कैंडिडेट उतारने के बावजूद इंदिरा गांधी ने लास्ट टाइम लास्ट मिनट में अब फेवर किसको दे दिया, वीवी गिरी को दे दिया। जब इनको फेवर दे दिया तो वीवी गिरी जो है जीत गए। अब वीवी गिरी जीत गए चुनाव, नीलम संजीव रेड्डी पहली बार चुनाव हार गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन से राष्ट्रपति जो पहली बार चुनाव हार गए लेकिन अगली बार निर्विरोध जीत गए, ठीक है, तो वो बात की बात है, निर्विरोध जीते कैफे जीते, पहली बार चुनाव हार गए, ठीक है। सत्ता कांग्रेस की है, पूर्ण बहुमत कांग्रेस का है, और कांग्रेस का मेंबर चुनाव हार जाता है सिर्फ एक रीजन से, कि इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि ये हमारी बात नहीं मानेंगे, और क्योंकि सदस्य जो था मेंबर घोषित हो चुका था इसलिए इनके ऊपर हटाया भी नहीं जा सकता था, तो ये हुआ। तो इस पर जो है नीलम संजीव रेड्डी गुस्सा हो जाते हैं, और कांग्रेस के कुछ ऐसा नहीं कि टोटल सदस्य निर्दल के ऊपर ही वोट दे दिया, कुछ देते हैं इधर कुछ, मामला ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पे द्वितीय चरण की मतगणना की जरूरत पड़ती है,
ठीक है ना। तो एक बार फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना की जरूरत पड़ी। तो वीवी गिरी, कहानी समझ गए क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी थी। ठीक है, तो चलता रहा, ये अपने टाइम तक किए काम। इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। फखरुद्दीन अली अहमद, इनको, ये इंदिरा गांधी के बड़े करीबी थे और इंदिरा गांधी के शासनकाल में कृषि एवं सिंचाई मंत्री थे, ठीक है ना। और इनको इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया। तो जैसे ये बने, ये अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई इनकी भी। तो दो राष्ट्रपति बने, दो मुस्लिम राष्ट्रपति बने और दोनों लोगों की उनके कार्यकाल में मृत्यु हो गई। एक कौन थे, जाकिर हुसैन, जिनके बाद वीवी गिरी आ गए काम, जाकिर हुसैन वीवी गिरी काम करने के लिए आ गए। और दूसरे थे कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। तो अगर इनकी मृत्यु होगी तो बताइए कि फिर कोई आएगा, तो वहाँ वीवी गिरी आए थे, यहाँ वी डी जत्ती आएंगे। ये तरीका याद रखिए याद करने का। वहाँ पर कौन आया था, जाकिर हुसैन जी मरे तो कौन आ गया, वीवी गिरी, ठीक है ना। और यहाँ पे फखरुद्दीन अली अहमद मरे तो कौन आ गया, वी डी जत्ती, ठीक है ना। तो वी डी जत्ती जी अब आ गए, वी डी जत्ती जी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और अब हो गए तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है ना। और ये उपराष्ट्रपति थे, आगे चल के ये भी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो कार्यवाहक हैं, लेकिन आगे चल के देखते हैं चुनाव लड़ते हैं फिर क्या होता है, कैसे होता है। फिर बने नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी पहली बार हार चुकी थी, ठीक है, हार चुके थे, चुकी नहीं थी क्योंकि नाम लेडीज है इसलिए भूल हो जाती कभी कभी। नीलम संजीव रेड्डी जी एक बार चुनाव हार चुके थे कांग्रेस होते हुए भी। आपको लगता है दोबारा वो कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, नहीं, अब की बार वो खड़े होते हैं। 1977 का टाइम रहता है दोस्तों, और ये टाइम ऐसा रहता है कि लोग, पूरी की पूरी जनता जो है वो इंदिरा गांधी के व्यवहार से बहुत खफा हो गई रहती है, बड़ी गुस्सा हो गई रहती है। तो गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनता है, गैर कांग्रेसी मतलब बिना कांग्रेस इसकी, क्योंकि पूरा का पूरा इसके पीछे का जितना था 1900 आज़ादी के बाद से 77 तक हमेशा कांग्रेस ने ही सरकार बनाई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी का गठन हुआ, ठीक है ना। और जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार किसको बनाया, नीलम संजीव रेड्डी को। और फिर कांग्रेस को भी कहीं कहीं लगता था, देखिए चाहती तो कांग्रेस भी अपना सदस्य खड़ा करती, लेकिन कांग्रेस को भी लगता था कि नहीं, नीलम संजीव रेड्डी के साथ हमने गलत किया है। क्या गलत किया है, अपना कैंडिडेट उतार के उसको हरा दिया, ये गलत नहीं तो क्या सही है। तो उसने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और ये क्या हो गए, निर्विरोध जीत गए। तो कहा जाता है कि ऐसे पहले एकमात्र, पहले क्या एकमात्र, अभी तक में एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। तो क्यों जीत गए, रीज़न समझ में आया क्यों जीत गए, इसलिए जीत गए कि इसके पहले कांग्रेस ने खड़ा किया था और खुद कांग्रेस ने हरा दिया था, ठीक है। तो बाद में जनता पार्टी ने खड़ा किया तो कांग्रेस को होश आया, यार मैंने गलत किया, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, तो अपना कैंडिडेट नहीं उतारा होगा, ठीक है, ये मैं मजे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब सही है, आप बेफिक्र रहिए। इसके बाद अगले राष्ट्रपति होते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जी 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति थे। 1980 में जब इंदिरा गांधी थी तो इन्होंने 1980 के दौरान इनको गृहमंत्री बनाया था। 1986 में ये राष्ट्रपति के दौरान जेबी बीटो का भी इस्तेमाल करते हैं, पढ़ा था मैंने डाक संशोधन विधेयक पर, ठीक है। एक चीज के बारे में और इम्पॉर्टेंट है कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आर वेंकट रमन, इसके बाद कौन आ गया, आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक ये उपराष्ट्रपति पहले इसके पहले रहते हैं। और ये पहले राष्ट्रपति ऐसे होते हैं जो चीन की यात्रा करते हैं, आर वेंकट रमन, और सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति भी यही थे, ये आपको ध्यान देना है। इनकी एक बुक थी दोस्तों, माई प्रेफिडेंशियल ईयर, ठीक है, तो ये याद रखिए आप, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, शंकर दयाल शर्मा जी आएंगे और ये 1992 से 97 तक हैं और ये चार प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखते हैं। आप सोच रहे होंगे 5 साल चार प्रधानमंत्री, हाँ एक्चुअली कुछ कंडीशन ऐसी होती दोस्तों कि दो बार तो अटल बिहारी वाजपेयी उस बीच में बन गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो कंडीशन ऐसी होती है कि लोकसभा में जो होता है सीट होता है ना, अविश्वास मत, उसकी वजह से बार बार सीट परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। सरकार गिरती है, सरकार बनती है, कोई अपना बताता है, कुछ दिन चलती 20 दिन बाद उतर जाती, फिर सरकार बनती, इस वजह से कुल चार प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा इन्होंने। तो अलग अलग नहीं है, चार प्रधानमंत्री बन गए थे, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति ये इसके पहले रहते हैं और जिसको निर्विरोध चुना गया रहता है अपने समय में, ठीक है ना। और इनके बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं था। डॉक्टर के आर नारायणन, ये 1997 से 2002 तक थे, ये पहले दलित राष्ट्रपति थे। एक बार फिर से मुद्दा देखिए गर्म हुआ है कि दलित राष्ट्रपति को लेकर के, इस बार जो चुनाव में खड़े हुए हैं रामनाथ कोविंद, ये इसके पहले बिहार के राज्यपाल थे, और एक लोग और खड़ी हुई हैं लेडीज़, ठीक है ना, कौन है कमेंट करके बताएंगे आप कि मैं बताऊँ, बोलिए, ठीक है ना। तो
ये आप ध्यान दीजिएगा, मीरा कुमारी, ठीक है ना, मीरा कुमार है। देखिए दोस्तों नाम याद रखिएगा, मीरा कुमार है, मीरा कुमारी मत बोलिएगा, मीरा कुमार पढ़ लीजिएगा खोल के, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, मीरा कुमार बोलेगा, लेडीज़ हैं कुमार लिखी हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये और कौन है, रामनाथ कोविंद, तो दोनों लोग दलित हैं, ठीक है ना। तो अभी तो पूरी की पूरी सरकार देखिए ये डिसाइड करने में लगी कौन ज़्यादा दलित है, ठीक है, मैं इसके बारे में पढ़ा हूँ, वीडियो उसका लेके आऊँगा, ठीक है। और ये अभी तक पहले ऐसे राष्ट्रपति में जो 95% मत से टोटल जितना पड़ा था उसका 95% मत इनके पक्ष में पड़ा था, ठीक है ना। इन्हीं के समय में कारगिल का युद्ध हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, कौन थे बताइए, नहीं बता, आइए अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात कर लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद देखिए मिसाइल मैन इनको कहा जाता है और ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनको लेकर के बड़ा ही डिस्प्यूट था कि यार कौन खड़ा होगा, किसको उतारा जाए, क्योंकि इस समय तक भाजपा आ गई थी, ठीक है, और बीजेपी चाहती थी कि अपने कैंडिडेट, एनडीए नाम से जाना जाता है बीजेपी को, ठीक है ना, एनडीए और यूपीए कांग्रेस को बोलते हैं दोस्तों और एनडीए बीजेपी को बोलते हैं। तो एनडीए चाहती थी कि किसको उतारे, तो बड़ा ही चूज करने के बाद उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद को चूज किया। और ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न मिला 1997 में, और जीते जी जो भारत रत्न मिला है वो कुल 3 लोग मिला है, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ देखिए राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, अबुल कलाम आज़ाद, इनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों का दोनों पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके अलावा उनकी कुछ किताबें हैं दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट्स, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो अविवाहित थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, किताबों का नाम दोस्तों आप याद रखिएगा, कई बार आता है ऐसे विंग्स ऑफ फायर तो आया ही, कई बार इंडिया 2020, माई जर्नी, इग्निटेड माइंड, टर्निंग पॉइंट, ये पांचों किताबें इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से, ठीक है। आइए आखिरी है, आखिरी पॉइंट्स है, ठीक है, अब इसके बाद आपका वीडियो ओवर हो जाएगा और पूरा चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल जो है दोस्तों ये पहली महिला राष्ट्रपति रहे, ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक, ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इनके बारे में यही है कि इसके पहले राजस्थान की राज्यपाल थी, ठीक है। आगे इसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी हैं, 2012 से 2017 तक ये राष्ट्रपति हैं, और इसके पहले क्या थे, वित्त मंत्री थे, और इनको पद्म विभूषण भी मिला 2008 में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और देख लीजिए, नाम मैं बता रहा हूँ आप देखिए ध्यान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी, यानी नीचे का ये 3 पकड़ लीजिए, ठीक है ना, और ज्ञानी जैल सिंह हो गए और नीलम संजीव रेड्डी हो गए, फखरुद्दीन अली अहमद हो गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। अच्छा दोस्तों ये मैं कुछ चीज़ें छोड़ा हूँ क्या, ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, ज्ञानी से क्या हुआ दोस्तों कि ज्ञानी इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये बचपन में बहुत ही सुरीले स्वर में क्या करते थे, गाना गाते थे, इनको गाना गाने का बड़ा शौक, जब इनको स्कूल भेजा जाते थे गाना गाने पहुंच जाते थे, इन्होंने पैसा जुटा के हारमोनिया भी खरीदा था, बजाते थे, गाते थे। इनके पिताजी ने इनको समझाया कि देखो बेटा तुमको गाना गाना है तो तुम गुरुद्वारे जाके गाओ, तो इन्होंने चला गया गुरुद्वारे, वहाँ जाके गाना गाना शुरू कर दिया, इनका नाम पढ़ के ज्ञानी, ठीक है ना, ज्ञानी। और जब अंग्रेज़ों ने एक नियम बनाया था कि कृपाण नहीं रखना है, ठीक है ना, सिखों को, तो ये उस समय भी कृपाण लेके घुमा करते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने इन्हें जेल में भेज दिया था। जब जेल में इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने कहा मेरा नाम जैल सिंह है, तो तभी से फेमस हो गए ज्ञानी जैल सिंह, जैल सिंह, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा था कहीं, तो मैंने कहा बता देता हूँ आपको। तो ये हो गए नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर राजे, ये इन लोगों, इन राष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सब के सब उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने लोगों को छोड़ करके जितने लोग भी हुए हैं वो सभी के सभी क्या हो गए हैं, अपने अपने समय में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिट पॉइंट्स, जैसे 108 अनुच्छेद है उसके तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जिसको राष्ट्रपति बुलाता है, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, एक बार आपके बता दे रहा हूं ताकि आपको जब आगे बताऊं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। तो लोकसभा और राज्यसभा को आहूत और सत्रावसान जो करता है संयुक्त बैठक के दौरान वो 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 111 अनुच्छेद है, इसमें किसी भी विधेयक या बिल पर अपनी स्वीकृति से रोक लगा सकता है देने से, ठीक ना, वैसे तो हम वीटो का इस्तेमाल करते ही हैं लेकिन अनुच्छेद के तहत ही है। 160 अनुच्छेद है, ठीक है, इसमें असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, ठीक ना, कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई तो उस समय राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ठीक ना। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, ये मैं भूल गया था बताना, तो बता दे रहा हूँ आपको, याद दिला दे रहा हूँ, ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन जो था होता है वो 1.5 लाख रुपये पर मंथ होता है, और पेंशन जो होता है वो 9 लाख रुपये पर ईयर होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस इतनी ही बातें थी राष्ट्रपति में। तो अगर आपको चीज़ें से अच्छे से समझ में आई हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इससे संबंधित आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको हमेशा कुछ नए वीडियोज़ देता रहूँगा। और मुझे पता है कि आज तक ऐसा कोई चैनल नहीं बना जो हिंदी मीडियम में लोगों की इतनी सहायता करे, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट को आप के तक लेके आए, ठीक है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कुछ तो आपको भी करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए भी करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।